I hate being a mard. मर्द नहीं पसंद? नहीं, यानी अपने आप नहीं पसंद आप? नहीं, औरत बन जाओगे? हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, किदां दे फिर की हाल चाल है? आपका दोस्त, आपका होस्ट उबैदुर रहमान एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हो चुका है। और आज हम आए हैं BNU बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, यहाँ के बच्चे बच्चियों बाकी सब से हम करेंगे मज़े मज़ेदार से सवाल, तो आइए चलते हैं। एक लड़का कैसा होना चाहिए जो जिसको आप शादी के लिए प्रेफर करती हैं? या उसकी अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए और तमीज़दार होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, ये दो चीज़ें होनी चाहिए, मतलब पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके व्यूज़ कैसे होने चाहिए फेमिनिज्म के बारे में और जो कुछ यहाँ पे चल रहा है उसके बारे में? यार, इक्वालिटी होनी चाहिए उसमें, मतलब अगर फेमिनिज्म है तो उधर से भी, मतलब दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए उसको, मतलब ना पूरा इधर होना पूरा उस तरफ हो, इन बिटवीन वो बस। हाँ, मतलब इक्वल होना चाहिए ना इंसान को, बीच में, बीच का रास्ता। ये तो वेरी वेरी नाइस सीन है। मैं लास्ट वीक NCA गया हुआ था तो वहाँ का भी मैंने सारा सिस्टम देखा कि वहाँ पे कैसा, मतलब एक्सपोजर मिलता है, तो यहाँ पे NCA से क्या डिफरेंट है? ACs, आई थिंक कैंपस थोड़ा बड़ा है। कैंपस, उनका कैंपस वाकई छोटा है? या इट्स क्वाइट स्मॉल आई गेस। कैंपस का ही फ़र्क है, मतलब इतना तो कोई है नहीं, लेकिन NCA वाले मतलब कैंपस छोटे होने की वजह से फायदे हैं उनके और यहाँ पे नुकसान है, मतलब। नहीं, एक और जो चीज़ मैंने देखी है ना वो ये है कि वहाँ पे जो है ना आर्टिस्ट लोग वो अपने आप को एक्सप्रेस करके घूम रहे होते हैं, यानी एक्सप्रेस हम भी करते हैं या, मगर यहाँ पे सारे जितने भी मैंने देखे ना बर्गर ही देखे। आई थिंक वहाँ पे हैदराबाद से आया हूँ, मैं सिंध से आया हूँ BNU पढ़ने, मतलब मेन मेरा NCA था, लेकिन जब NCA के लिए मुझे सिंध जाना, एडमिशन नहीं मिला, एडमिशन नहीं, मैं गया ही नहीं, मुझे सिंध जाना पड़ता, कोटा पोटा सिस्टम मुझे नहीं पता था यहाँ कुछ होता है ना, तो मुझे सिंध जाना पड़ता है, इस वजह से मेरा सेकंड ऑप्शन BNU बतेदार। अब जिंदगी कट रही है, छठा सेमेस्टर चल रहा है। डिपार्टमेंट आपका यहाँ? साइकोलॉजी। सेमेस्टर? सिक्स्थ सेमेस्टर, यानी सीनियर ही जा रही है ना अब यहाँ पे। तो आप यहाँ पे बियर्ड बॉयज प्रेफर करती हैं या शेव चिकने से जो बच्चे होते हैं? यहाँ पे तो कोई भी नहीं, अभी तो कोई भी नहीं यहाँ पे, सारे यहाँ के फारग, कभी नोटिस नहीं किया। छठा सेमेस्टर है तो ज़रूरत नहीं पड़ी नोटिस करने की, फिर पहले से होगा ना कोई? नहीं, पहले से भी नहीं है, अभी डिसाइड करने का टाइम आएगा तो देख लेंगे। डिसाइड भी नहीं है अभी? नहीं, अभी नहीं है। BNU में यानी कोई इस काबिल है ही नहीं? BNU के बारे में सोचा ही नहीं, किसी के बारे में सोचा ही नहीं, तो फिर कहाँ से? स्ट्रेंज यार, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, छठा सेमेस्टर है, डिग्री मुकने वाली है साल बाद, हर कोई एक जैसा तो नहीं होता ना, हर कोई भाभियाँ या मुझे आप कहना क्या चाह रही? मैं आपको कुछ नहीं कह रही, हर कोई तो ऐसा नहीं होता ना, अब आप अपने आप को हर कोई में कंसिडर कर ले तो मैं क्या कर सकती हूँ, बट नहीं अभी तक तो कोई नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी, जब होगा देख लेंगे। एक दिन के लिए अगर आपका BNU के अंदर जेंडर चेंज कर दिया जाए तो क्या करोगे? बता नहीं सकता, बताओ ना, बता नहीं सकता, जवाब मैं दे सकती। क्या करेगा ये? कुछ चेंज होगा, हमेशा लड़कियों के बीच में होता है, उसके बाद भी लड़कियों के बीच में ही होगा, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। फिर लड़कों के बीच में नहीं जाएगा? वो पहले भी नहीं होता, बहुत कम होता है। मैं स्ट्रेट हूँ ना, लाइक मैं ऑपोजिट जेंडर, अपने सेम जेंडर के पास क्यों जाऊँ? ऑपोजिट जेंडर का सेम रिपल्स नहीं यार मुझे ना, समझ सकता हूँ। यार वैल्यू फैक्स क्या है? वैल्यू फैक्स ब्रो, मुझे बाकी उसके वो दो ना वेरिएंट्स वगैरह एक्स के जी और ये वेरिएंट्स वाला नहीं ना है सीनियर, वैल्यू फैक्स आपकी पुरानी मशूका। अच्छा, वैल्यू फैक्स, ओके। IQ क्वेश्चंस ब्रो अभी भी है, शी इज़ अ गुड पर्सन, तो वैल्यू फैक्स इज़ हायर देन अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। प्रेजेंट में है? हाँ प्रेजेंट में है, अच्छी दोस्ती अभी भी, मतलब प्रॉपर नहीं कटा अभी, बस अभी भी चल रहा है। नहीं कटा नहीं, वो मेरी तरफ से था तो इसलिए दोस्ती है। तो अब क्या अब मैं और बोलूँ, अब कैमरे पे अब सारी बोल ली ना, खुलवाओ सबके सामने। 1 करोड़ या पसंद की शादी? 1 करोड़ पसंद की शादी नहीं, 1 करोड़ का पसंद की शादी आप ही हो जाएगी। पैसा होगा तो छोरी भी आएगी? हाँ जी, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। कुछ नहीं और कुछ चाहिए पैसे तो अलावा? पैसे के अलावा और भी बहुत कुछ चाहिए। क्या चाहिए मुझे बताओ जरा बस, आज तो वीडियो खत्म होने दे फिर बताते। नहीं पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगा, पैसा जरूरी है कि गर्लफ्रेंड? पैसा तो जरूरी है 100%। मेरा आपसे ये सवाल है, आप मनपसंद की शादी या 1 करोड़? 1 करोड़। 1 करोड़ मेरा भी यही था। बट्टू जी
कोई ऐसी चीज बताओ BNU की जो किसी और यूनिवर्सिटी में ना मिलती हो। यार BNU में मतलब डाइवर्स आवाम बहुत है, हर तरीके का आपको इंसान मिलेगा, चूतिया से चूतिया और अच्छे से अच्छा, समझ रहे हो। आप किस कैटेगरी में हो? मैं कहीं बीच में आता हूँ, ना मैं चूतिया हूँ ना मैं अच्छा हूँ, मुझे बीच में रहने में बड़ा मजा आ रहा है, तो यही चल रहा है BNU में। कभी चूतिया बन गए कभी बीच में, मतलब डिपेंड सिचुएशन के। अभी चूतिया बने हुए हो? अभी मैं बना हुआ आपको जैसा लग रहा हूँ वैसे ही लग रहा हूँ मैं, बाकी आवाम को शायद अच्छा भी लग रहा हूँ, हर बंदे का अपना ओपिनियन है, तो बस यही सीन है और कुछ नहीं। यानी BNU इतना डिफरेंशिएट नहीं करती, सिर्फ यहाँ पे चूतिया लोग पढ़ते हैं और बाकी को सारे नहीं है, आपने मतलब सारों को ही पढ़ दिया, ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे भी है, आप उनको देखें देखो, अगर आप अगर आप चूतिया हो ना तो आपको सब चूतिया लगेंगे, अगर आप समझदार हो ना तो आपको सब समझदार लगेंगे, सब समझदार लग रहे हैं, समझ रहे हो। तो BNU को चूतिया या समझदार होने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे इंसान बन जाओ और कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक यू। ओके, अगर आपका एक दिन के लिए जेंडर चेंज हो जाए BNU के अंदर, आप क्या क्या करोगे? आई डोंट नो, परहैप्स मैं गर्ल्स के साथ हैंग आउट करूँगा, क्योंकि मुझे फीमेल फ्रेंड्स मेल फ्रेंड्स से बहुत पसंद है, और बीइंग अ गर्ल मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं फीमेल्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा। और अगर आपको एक दिन के लिए आदमी मर्द बना दिया जाए तो फिर क्या करोगे? आई हेट बींग अ मर्द। मर्द नहीं पसंद? नहीं, यानी अपने आप नहीं पसंद आप? नहीं, औरत बन जाओगे? हाँ। इंटरेस्ट किस में है ज़्यादा, औरतों में या मर्दों में? औरतों में। आई लव बींग अ वुमन बट अनफॉर्चुनेटली आई एम अ मैन। अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरेंज करके लव। तो कभी लव हुआ? जी हुआ है। तो उससे डायरेक्टली लव मैरिज क्यों नहीं करने? नहीं तो, लेकिन अब देखें अरेंज करने में फिर उसके बाद लव, वो इट्स डिफरेंट, बट लव इज उसमें थ्रिल ज़्यादा है कह सकते हैं, आपको ज़रा चांस मिल जाएगा ज़रा इंसान को जानने का भी, लेकिन आई प्रेफर अरेंज के बाद लव। नाइस सीन है, यानी बस ठीक है, मैं समझ गया हूँ। व्हाट डिफरेंशिएट्स BNU फ्रॉम अदर आर्ट्स इंस्टीट्यूट्स लाइक BNU, PU? यार ये क्वेश्चन पास करो उधर। सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? व्हाट डिफरेंशिएट्स BNU फ्रॉम अदर आर्ट्स इंस्टीट्यूट्स लाइक BNU, PU एंड अदर आर्ट्स इंस्टीट्यूट्स लाइक NCA? स्पेशली NCA? स्पेशली NCA, ओके। अच्छा, आई एम फ्रॉम NCA, आई डिड माय बैचलर्स फ्रॉम NCA। ये तो कमाल हो गया। सो यू हैव कम टू द राइट प्लेस। सो एक्चुअली NCA में ये था कि एवरीथिंग वाज रियली, सब कुछ खुला खुला था, आई मीन व्हाटएवर, हाँ, फ्रीडम थी बहुत ज्यादा। यहाँ पे मुझे ज्यादा खुली चीजें नजर आ रही हैं आपको? यू हैव नो आइडिया एक्चुअली, हैव यू एवर बीन टू NCA? आई मीन हैव यू? मैं लास्ट वीक NCA गया हुआ था। गया हुआ था बट हाँ, you go, he can actually tell you because he was in the hostel. हाँ exactly, वहाँ पे जो है हाथ यूँ ही करता रहता हूँ। हाँ हाँ श्योर, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत बहुत फ्रीडम है, यहाँ पे इतनी नहीं है। आप वहाँ पे आप 24 आवर्स कॉलेज में रह सकते हो, हॉस्टल में तो बड़ा चिल सीन होता है वहाँ पे। वहाँ पे क्लोजिंग टाइम कोई नहीं है कि 10 बजे के बाद? कोई नहीं है कोई, यहाँ पे तो आपको 4:30 के बाद किक आउट कर देते हैं। टिशुम, गाँव से बाहर निकलो। हाँ गाँव से बाहर निकल जाओ, बस एक चीज़ यही चीज़ है जो NCA और BNU को डिफरेंशिएट करती है। नहीं, डिफरेंशिएट तो बहुत सारी चीज़ें करती है, लाइक NCA में, NCA में जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो अभी तक पुराने, अभी लेकिन अभी तो हो रहा है नया, लेकिन अभी भी पुराने। ये थोड़ा अमेरिकन और इनको यूरोपियंस को फॉलो कर रहे हैं, तो वो सारा इनका जो पैटर्न है वो डिज़ाइन कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा लिबरलिज्म आ जाता है। एग्जैक्टली, वो एक लड़के के अंदर आप क्या चीज़ प्रेफर करती हैं? लॉयल्टी, जेन्युइननेस एंड ह्यूमर। ह्यूमर, और आपको क्या लगता है कि लड़का एक लड़की में क्या चीज़ प्रेफर करता होगा? आई थिंक मतलब तमीज़ होनी चाहिए। वो नहीं होती? अच्छा, नहीं होती। लेकिन तमीज़ के अलावा जस्ट लाइक बीइंग अ गुड पर्सन, मतलब अच्छा इंसान होना चाहिए। वो भी बहुत कम होती है, तो ढूंढना पड़ता है, ढूंढ के मिल जाएगा। यहाँ पे कोई लग रहा है ऐसा? नहीं, यहाँ पे नहीं। BNU को ना 3 आपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, पूरी BNU की लाइफ को।
यार BNU की लाइफ काफ़ी चिल है, अच्छी है काफ़ी, और दूसरा यहाँ पार्टी बहुत है, तीसरा यहाँ लोग जो है ना, नशा बहुत है, नशा तो है ही है, लेकिन यहाँ स्नैक्स बहुत ज़्यादा है, वो तो हर यूनिवर्सिटी में होते हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ ना मॉडर्न स्नैक्स हैं, लिबरल आर्ट यूनिवर्सिटी ना बहुत ज़्यादा लिबरल है, यहाँ पर मतलब आवाम आपको हर दूसरे कोने पर स्नैक मिलेगा, मेरी तो मुझे तो ऐसे ही हुआ है, बाकियों का मुझे पता नहीं, स्नेक मिला गया और वो स्निफ कर रहा होगा वो, हाँ उसका यही हिसाब होगा, वो मतलब वहाँ जाएगा ना, वो एयरपोर्ट देखा आपने, वहाँ जाएगा और वो पक्के वो भांग वगैरह लगी होगी, वो सिस्टम चल रहा होता है वहाँ पर सर, फुल यो सीन है यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पर कोई आया, क्योंकि नशों में लग जाता बंदा, भाई भी लगे नहीं मैं नहीं लगा वो, मैं बचाऊँ, मैं अच्छा शरीफ बचाऊँ, अपनी क्लास में मैं ही हूँ जो स्मोकिंग नहीं करता, जो स्मोकिंग करता है तो जो स्मोकिंग नहीं करता वही मैं ही हूँ बस, बॉयज़ के अंदर मैं। BNU की लाइफ को 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। यार चर्स स्कॉलरशिप के लारे, और आप जैसे यूट्यूबर सारे यूट्यूबर्स हैं यहाँ, बहुत सारे तीन वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। स्मोक दोनों, और जो रेडियो लेके फिरते रहते हैं बंदे, वो एक आइडेंटिफाई करते हैं हमारी यूनिवर्सिटी को, और तीसरा ऐसे कुछ म्यूजिक लाउड। अच्छा आप लोगों का क्या है BNU का, अगर आप लोग एक्सप्लेन करें अपने वर्ड्स में। स्मोक वही चीज़ है, रिलेशनशिप वो तो मेन बात जिस पे चल रहा है BNU, ठीक है, रिलेशनशिप, स्मोक आप लोगों का भी है नहीं हमें देख के लगता है सही बात है, हम शरीफ बच्चे यार, नहीं यार हमारी यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हैं अभी। अच्छा हाँ, वो उसको अभी बनाना है ना, इसलिए मस्जिद नमाज पढ़ते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं होता, बहुत ही कम लोग होते हैं वैसे, अल्लाह माफ करे, और ऐसे लोग उबैद भाई जैसे लोग, उबैद भाई जैसे लोग। अच्छा आपको कह रहे ठरकी देखिए, उनको मेरा नाम ही नहीं पता था, आपको उनका नाम पता है, उनको आपका नाम पता है। डू प्रपोज समवन इन पंजाबी, किसी ने पंजाबी से प्रपोज करके दिखाओ। मुश्किल सवाल पूछ लिया, शादी करेंगे मेरे नाल? नहीं, मेरे नाल ब्याह कर, मेरे नाल ब्याह कर, आई एम नॉट दैट गुड विद पंजाबी, चलो मेरे नाल ब्याह करेंगे, और अगर उसने आगे से कह दिया हाँ करांगा फिर, तो फिर हम सोचेंगे कि हमें सीरियसली सोचना चाहिए। सीनियर प्रेफर करेंगी या जूनियर? लड़कों में सीनियर, यानी आमिर लियाकत, जो आमिर लियाकत वाला सीन है वो वाला 18 साल की लड़की और 55 साल के बाबू। नहीं देखिए, मैंने कहा है सीनियर से करनी है, मैंने कहा नीयत वो अब उनकी क्या थी हमारी क्या है, तो नीयत का डिफरेंस आ जाता है, हमने उनकी वाली नीयत से नहीं करना, करना सीनियर से। उनकी नीयत क्या थी, आपकी नीयत क्या है, शादी की नीयत एक ही होती है। नहीं शादी की, देखिए शादी करते हैं और उसके पीछे नीयत कुछ और होती है, तो उनकी नीयत जो है वो परफेक्ट मैच है एक दूसरे के लिए, उस नीयत के मुताबिक हमने उस नीयत के हिसाब से नहीं करनी, तो हमारे लिए आमिर लियाकत और उन जैसे जो है वो जरा दूर ही रहे, बहुत दूर रहे, बिल्कुल कैंसिल बिल्कुल, शादी कैंसिल, नहीं शादी क्यों कैंसिल करें हम, शादी कैंसिल कर दे, नहीं नहीं ऐसा ना करें, शादी नहीं, नियत हम दूसरी कर लेंगे, लड़का कोई और देख लेंगे, नियत वही होगी, नहीं नियत नहीं अल्लाह का शुक्र है वैसी कोई नियत नहीं है, ना आमिर लियाकत भाई जैसी, ना उनकी बीवी जैसी, उन जैसी नहीं है, और वैसे भी उनकी तो शादी होनी है कुछ टाइम में, हमने ज़रा रखनी है लंबी, तो नहीं हूँ जैसे आप लंबी लेके चले, हाँ इंशाल्लाह ताला, आपको शक है? नहीं नहीं ठीक है, हाँ तो बस इंशाल्लाह ताला उन जैसी नहीं करेंगे, हमने जरा चलानी है लंबी, उनकी ही देखते हैं फिर क्या बनता है। आप में एटीट्यूड है? नहीं मेरे अंदर बिल्कुल नहीं, यहाँ की लड़कियों के अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, मतलब किस चीज़ का एटीट्यूड है, मतलब वो अगर आप उनके पास जाओ और उनसे बात करो, वो मतलब इतना एटीट्यूड शो करेंगे आपको कि आप परेशान हो जाओगे, यार ये मतलब क्या, मतलब बात ही कर ली है मैंने, वो तो मतलब हवाओं में हो जाएंगे, नहीं हमारे से किसी लड़के ने बात की तो की क्यों, हाँ ये वाला सीन होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, UCP हो गया, YOL, UMT वगैरह, यहाँ पर मतलब इजी सीन है यार, आप कर सकते हो इजीली बात, नहीं कर सकते ओ सॉरी नहीं कर सकते नहीं कर सकते हाँ नहीं कर सकते। वैल्यू ऑफ एक्स क्या है आपकी नज़र में? यार वो तो बेवफा निकली, छड़ गई मनु खोते थी बच्ची, बस नहीं खोते थी बच्ची, नहीं चंगी औरत थी यार बेचारी, छड़ गई बस, वो होर गल किसी और दे पीछे, नहीं नहीं किसी और दे पीछे नहीं, हालात नहीं बने यार। आप मुझे ये तो वैल्यू ऑफ एक्स आपकी नज़र में क्या है? यार बस ठीक था, गुजर गया ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम लंग गया, लंग गया, जो होना था हो गया। BNU वालों को भी पंजाबी आती है? वाह बस ऐसे ही है, बस नाम के BNU अंदर से देसी हैं पूरे मुसाफिर
मुसाफिर इधर से उधर बस कदी ऐस कुड़ी ते कदी उस कुड़ी नहीं नहीं कुड़ी ते नहीं बस दूसरी मुंडिया दे मुंडिया दे टाउन डे पा मुंडिया दे मुंडिया दे व्हाट इफ अगर आपको एक दिन के लिए बीएनयू का जो है वो वीसी वाइस चांसलर बना दिया जाए तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आएंगे एक दिन के लिए? सबसे पहले तो मैं मस्जिद बनवाऊंगी क्योंकि हम लोग बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं और वो नहीं बन रही। मस्जिद नहीं है इधर? नहीं। और दूसरा मैं रिलेटिव ग्रेडिंग खत्म करा के एब्सोल्यूट करवाऊंगी। जिसने जो ग्रेड लिया वो लिया है। रिलेटिव में ये होता है कि परसेंटेज पूरी क्लास के मुताबिक आप कर रहे हैं। एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है साइकोलॉजी में, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है स्पेशली। यानी कि आप यहाँ पे बहुत सारे दो चेंजेस आएंगे, एक तो मस्जिद का थोड़ा इस्लामी माहौल आ जाएगा यहाँ पे जो कि बहुत मुश्किल है नहीं आ सकता, और दूसरा आप नहीं नमाज यहाँ पे सब लोग पढ़ते हैं, जुमा भी पढ़ते हैं लेकिन मस्जिद नहीं है, हम लोग ग्राउंड में पढ़ते हैं। आपके दिल के करीब कौन है? माई कैट्स, माई मॉम, माई बेस्ट फ्रेंड्स एंड माई फैमिली इन जनरल। यानी सारे करीबी लोग ही हैं ना? हाँ, क्योंकि जो उन्हीं को मैं अपनी पर्सनल स्पेस में अलाउ करती हूँ ना, जो करीब है मेरे। बीएनयू से कौन है करीब? फातिमा। हेलो। एक दिन के लिए आपका जेंडर चेंज हो जाए तो बीएनयू में क्या क्या हरकत करोगे? यार सबसे पहले तो अपने दोस्तों की प्यास बुझाऊंगा, या की हवस की, या वो वैसे तो बुझा नहीं सकते अगर मैं, क्यों ना अपने दोस्तों का अच्छा सोचूं, क्यों ना सोचूं। यानी फुल कंजरी सीन बन जाएगा यहाँ? नहीं कंजरी नहीं, वैसे वो तो खुलेआम थोड़ी दूंगा बेटे। प्राइवेट में यार क्या होगा? फ्लैट? नहीं फ्लैट क्यों, मैं आपको खुडे दिखा देता हूँ बीएनयू के, इजी सीन है ब्रदर। आप क्या करोगे? यार मैं शरीफ इंसान हूँ, मैं बुर्का पहन के फिरूंगा इधर। मैंने एक भी नहीं देखी यहाँ पे बुर्के, तो मुझे देखोगे ना फिर तुम? अभी नहीं देखेगा वो, जब तुम बनेगी तब देखेगा। हाँ तो तभी ना मैं अपने नासा। हाँ नासा नासा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है नासा जा। क्यों नहीं बुर्का पहन के यही नहीं यार बुर्का पहन के, यार आप जैसे वाहियात लोगों की नजरें नीची होंगी और ना देख पाएंगे ना कुछ होगा, ठीक है ना? जो बेशर्मी बेशर्मी खत्म होगी एक साथ। हाँ। अपने साथ आप इतनी तो यार वो तो हर मैं तो मेरी हर किसी का अपना नहीं, हम दोनों दोस्तें होंगी ना, हम दोनों दोस्तें होंगी, वो शरीफ एक बुर्के में होगी और एक जो है वो दरियान डाल रही होगी। बात ऐसी है कि लिबरल यूनिवर्सिटी है ना, तो जिसका जो दिल चाहे वो कर सकता है। अगर मैं बुर्के में फिरूंगा तो मेरी च्वाइस है, अगर ये जो भी करना चाहता है इसकी च्वाइस है तो चाहती है जो मर्जी हो। अभी तो आप जेंडर डिफाइन ना करें, वो अच्छा, वो जो बनेगा बन जाएगा। आप क्या करेंगे अगर आप लिबरल है ना? मैं होऊंगा नहीं, मैं जिसमें हूँ मैं खुश हूँ। लिबरल है नहीं इस तरह, तो फिर हम भी ये जवाब दे देते। आप अगर लड़की होती आप क्या करते? मैं इधर बुर्का पहन के आता। नहीं नहीं ये तो कॉपी कर रहे हो ना, ये तो कॉपी कर रहे हो। मुझे अंडे वाला बस। ओके ओके यार बहुत शुक्रिया। ओके बीएनयू की लाइफ को तीन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दें, मतलब उसको आपने समराइज करना है तीन वर्ड्स के अंदर। यार यहाँ पे अच्छा सीन है, चिल सीन है और पार्टी सीन भी है। पार्टी सीन तो बहुत है, पार्टी सीन बहुत है, लेकिन पार्टी सीन के अलावा और बीएनयू में क्या क्या? यहाँ की पढ़ाई अच्छी है, मतलब टीचर्स अच्छे हैं और टीचर्स अच्छे हैं साथ, और मुझे पढ़ाई भी अच्छी लगती है, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था बीएनयू में उससे बेहतर है। और तीसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग मुझे अच्छे फ्रेंडली भी मिले हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं मिले हैं, लोग बहुत डिफरेंट हैं यहाँ पे और एनवायरनमेंट चेंज है, बस ये चीज़ें हैं कि लोग बहुत अजीब से हैं यहाँ पे। यार कोई ऐसी चीज़ बताओ बीएनयू की जो किसी और यूनिवर्सिटी में ना हो। इंतहाई चूतिया टीचर्स हैं। आवाम भी चूतिया? नहीं आई डोंट थिंक सो, ठीक है मतलब गुजारा, नॉट बैड। ये कि यहाँ पे देखने में हल्का हल्का लग रहा है। नहीं यहाँ पे पता क्या, यहाँ पे टेस्ट उस नहीं होता ना, तो सबको वैसे ही वाड़ी जाते हैं, आई जो जिसके पैसे आओ, तो फिर इस वजह से ज़रा वो फिर चूतिया किसी में पढ़ने वाले, मतलब उस पर्सपेक्टिव से एज अ पर्सन लोग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, हर तरह के लोग होते हैं। आपको कैसी कैसी वाम मिली? मुझे हर तरह की वाम मिली है, अच्छे बुरे। अब बोल देता हूँ ब्रो चूतिया, तो फिर अगर आप ये सुनना चाह रहे हो तो, बाकी अच्छे लोग भी बहुत हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है मेरी। मतलब रेट करते हो अगर तो कितना रेट करोगे इसको? फाइव में से फाइव में से 3.5 पाकिस्तान के लेवल पे रैक कर रहा हूँ रेट, 3.5। आप कहाँ अफगानिस्तान से आए हो? नहीं नहीं मतलब अगर इंटरनेशनल पे जाना फिर तो मैं इसको 0.5 दूंगा। जाहिर है वो तो वैसे ही है। हाँ तो पाकिस्तान के लेवल पे 3.5 इज़ अ गुड स्कोर आई गेस। एनसीए वाले को मैं खाली 4 ले जाएंगे, 4.5। यार किसी को ना पंजाबी में प्रपोज करना है आपने, करो। मुझे पंजाबी नहीं आती, आई एम पश्तून। पश्तो में कर लो। पश्तो में कर लो किसे?
आपको लड़के पसंद है ना, तो आप लड़की किसी भी लड़के को कर लो। नहीं, मुझे लड़के पसंद है। हाँ, तो किसी भी लड़के को कर लो। अच्छा, तो फिर लड़का ढूंढते। ये कैमरा मैन को करो। पश्तो में कैमरा मैन। आपका क्या नाम है? क्या? बिलाल। मेरा नाम भी बिलाल है। चलो बिलाल, बिलाल लव हो जाएगा। बिलाल, आप मुझे बहुत पसंद हो। पश्तो में करो ना। बिलाल तजमा डेर खौख है पर डेट पांदीजू। ये डेट के लिए भी बुला लिया। कितने लड़कों को डेट किया आज तक? काफ़ी लड़कों को। हाँ, काफ़ी लड़के। लड़कियों को कितनी हो गया? ज़ीरो। तो ये था मेरा आज का BNU का टूर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको आपने इसको इंजॉय किया, तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।